आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सियासी दंगल का मैदान तैयार है। सियासी पहलवारी के हुनरमंद दाव पेच आजमा रहे हैं। पक्ष विपक्ष का वार पलटवार का खेल जारी है। जुबान सांप्रदायिक हो रही है, बयान समाजवादी हो रहे हैं। मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है, लुभावनी घोषणाएं की जा रही है, रैलियों का रेला चल रहा है, मुट्ठियां तन रही हैं, भौंएं तरेरी जा रही है, एक दूसरे पर उंगलियां उठाई जा रही है। मौसम सर्द है पर सियासी बाजार गर्म है। राज्यों में चुनाव है, ये ठेठ सियासी नजारा है, ये सियासी अखाड़ा है। सियासी दंगल में उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर तक, पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक, क्या कुछ रहा खास 22 के रण में सब दिखाएंगे सियासी दंगल में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम सियासी दंगल में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास एपिसोड की। देश के 5 राज्यों में आगामी 2 से 2.5 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी सक्रियता दिखाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यानी पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद हर चुनावी मोमेंट पर बारीक नजर रखे हुए हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी का आज मणिपुर दौरा रहा, देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर विधानसभा चुनाव से पहले आज मणिपुर और त्रिपुरा दौरे पर थे, जहां इम्फाल में पीएम मोदी ने सौगातों का पिटारा खोला। पीएम ने 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने यहां जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब से कुछ दिन बाद 21 जनवरी को मणिपुर को राज्य का दर्जा मिले, 50 साल पूरे हो जाएंगे। देश इस समय अपनी आजादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव भी मना रहा है। ये समय अपने आप में बहुत ही प्रेरणा है। आप सभी को वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ दिन बाद 21 जनवरी को मणिपुर को राज्य का दर्जा मिले, 50 साल पूरे हो जाएंगे। देश इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव भी मना रहा है। ये समय अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सत्ता पाने के लिए मणिपुर को फिर से अस्थिर करना चाहते हैं, लेकिन मणिपुर के लोग इन्हें पहचान चुके हैं। मणिपुर के लोग यहां का विकास रुकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से इस क्षेत्र में उग्रवाद और असुरक्षा की आग नहीं है, बल्कि शांति और विकास की रोशनी है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सैकड़ों नौजवान हथियार छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी। मैं जब प्रधानमंत्री नहीं बना था उससे पहले भी अनेकों बार मणिपुर आया था। मैं जानता था कि आपके दिल में किस बात का दर्द है।
और इसलिए 2014 के बाद मैं दिल्ली को, पूरे दिल्ली को, भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर देश के लिए एक से एक नायाब रत्न देने वाला राज्य है। यहाँ के युवाओं और विशेषकर मणिपुर की बेटियों ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा फहराया है, गर्व से देश का सर ऊंचा किया है। विशेषकर आज देश के नौजवान मणिपुर के खिलाड़ियों से प्रेरणा ले रहे हैं। साथियों, मणिपुर देश के लिए एक से एक नायाब रत्न देने वाला राज्य रहा है। यहाँ के युवाओं ने और विशेषकर मणिपुर की बेटियों ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा उठाया है, गर्व से देश का सर ऊंचा किया है। विशेषकर आज देश के नौजवान मणिपुर के खिलाड़ियों से प्रेरणा ले रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों से लेकर ओलंपिक तक, रेसलिंग, आर्चरी और बॉक्सिंग से लेकर वेटलिफ्टिंग तक मणिपुर ने एमसी मैरीकॉम, मीराबाई चानू, बामला देवी, लाइसम सरिता देवी, कैसे कैसे बड़े नाम है, ऐसे बड़े बड़े चैंपियंस दिए हैं। आपके पास ऐसे कितने ही होनहार हैं जिन्हें अगर सही गाइडेंस और जरूरी संसाधन मिले तो वो कमाल कर सकते हैं। यहाँ हमारी युवाओं में, हमारी बेटियों में ऐसी प्रतिभा भरी हुई है, इसलिए हमने मणिपुर में आधुनिक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर को लेकर पहले की सरकारों की डोंट लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लेकिन हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। ईश्वर ने इस क्षेत्र को इतनी प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, पूर्वोत्तर की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। पहले की सरकारों की तय पॉलिसी थी, और वो पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी यही थी, डोंट लुक ईस्ट। पूर्वोत्तर की तरह दिल्ली में तभी देखा जाता था जब यहां चुनाव होते थे, लेकिन हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। ईश्वर ने इस क्षेत्र को इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, इतना सामर्थ्य दिया है, यहां विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। अब पूर्वोत्तर में एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और रेल भी पहुंच रही है। जिरीबाम, तुपुल, इम्फाल रेल लाइन के जरिए मणिपुर भी अब देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। मणिपुर विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक दल खासा सक्रिय हैं, तो आज खुद पीएम मोदी ने इम्फाल से सौगात और जनसभा कर चुनावी यलगार कर दी है। हालांकि अब देखना यह है कि पीएम के पिटारे से निकली सौगातें भाजपा को 22 के रण में कितना वोट बैंक साधने में सहायक होंगे। स्पेशल डेस्क प्राइम टीवी। तो
मणिपुर में कहीं ना कहीं पीएम मोदी की रैली ने आज सियासी समीकरण को साधना तो शुरू कर दिया है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में भी 2022 के रण का घमासान अब तेज हो गया है। ठंड के मौसम में राजनीतिक दलों की जनसभाएं सियासी मौसम को खासा गर्म कर रही है। सूबे में सीधी लड़ाई सत्ताधारी दल भाजपा और मुख्य विपक्षी दल सपा के बीच होती दिखाई दे रही है, जहां एक ओर अखिलेश यादव कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं सूबे के मुखिया पर निशाना साधने का, तो वहीं सीएम योगी भी चुनावी सौगातों के साथ साथ अखिलेश यादव पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी सहारनपुर के आज देवबंद पहुंचे हुए थे और उन्होंने वहां पर विकास परियोजनाओं की सौगातें दी, साथ ही विपक्ष पर जमकर पलटवार बोला। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों को जनता से घोषणाएं करने का सिलसिला जारी है, तो वहीं सत्तासीन भाजपा लगातार सौगातें दे रही है। सहारनपुर के देवबंद पहुंचे सीएम योगी ने 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। यहां उन्होंने एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे और फायर स्टेशन का भी लोकार्पण किया। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सहारनपुर के किसानों ने, नौजवानों ने, हस्तशिल्पियों ने अपनी मेहनत से सहारनपुर को पहचान दिलाई है। पहले की सरकारों के लिए सहारनपुर दूर होता था। 5 साल में अखिलेश यादव सहारनपुर एक बार भी नहीं आए होंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं 5 साल में सहारनपुर की दर्जनों यात्राएं कर चुका हूं। मेरे लिए जैसा लखनऊ वैसा ही सहारनपुर। पहले की सरकार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी, हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। भाइयों बहनों, ये एटीएस का सेंटर आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। आपने देखा होगा पहले की सरकारों में आतंकी हमले होते थे, कभी राम जन्मभूमि पर, कभी काशी के संकट मोचन मंदिर पर, कहीं लखनऊ की कचहरी पर, कभी काशी की कचहरी पर, कहीं पर रामपुर के सीआईएसएफ के सेंटर पर, ये लगातार आतंकी हमले होते थे। और आतंकवादी भी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते थे, वैसे ही जैसे आज समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना, आपने देखा होगा आप उनके वक्तव्य क्या आ रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर का निर्माण करा देते। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में आतंकी हमले होते थे, कभी राम जन्मभूमि पर, कभी कचहरी पर, या आतंकवादी गिरगिट की तरह रंग बदलते थे। उसी तरह आज समाजवादी पार्टी के बबुआ बोल रहे हैं कि अगर वे होते तो कब का राम मंदिर का निर्माण करा देते। यह सुनकर तो गिरगिट भी शर्मा जाएगा। पिछली सरकारों द्वारा आग लगाई जाती थी और यह सरकार आग बुझाने के लिए फायर स्टेशन का लोकार्पण कर रही है। प्रदेश में 22 का रण फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एक तरफ जहां अखिलेश यादव योगी सरकार की घेराबंदी में लगे रहते हैं, तो वही सूबे के मुखिया भी अखिलेश के वार पर पलटवार करने में गुरेज नहीं रखते। हालांकि सीएम योगी की चुनावी सौगातें सहारनपुर में कितना कमाल करके दिखाती हैं, ये तो जनता को ही तय करना है। प्राइम टीवी इंडिया। जहां एक तरफ मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमाम सौगातें देने पहुंचे थे, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भी अब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए बीजेपी को सशक्त बनाने में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में अब पंजाब भी अछूता नहीं रह गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है, तो अब सभी राजनीतिक दलों ने सियासी बिसाते बिछानी और तेज कर दी है, फिर चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या फिर आम आदमी पार्टी। राजनीतिक दलों के दिग्गज पंजाब के सिंहासन पर कब्जा जमाने के लिए बड़ी बड़ी जनसभाएं और चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं। चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए भाजपा भी पूरा दमखम दिखा रही है और इसी क्रम में
पीएम मोदी खुद कल पंजाब दौरे पर रहेंगे और भाजपा के लिए सूबे का माहौल तैयार करेंगे। देखिए रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तमाम तरह के पैतरे अपना रहे हैं। कोई जोड़ तोड़ में लगा है तो कोई घेराबंदी करने में। इतना ही नहीं, दल बदल का खेल भी अपने चरम पर है। ऐसे में कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और भाजपा लगातार पंजाब में अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुटी है। कल इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब दौरे पर आ रहे हैं। पंजाब में चुनाव को लेकर होने वाली पीएम मोदी की ये पहली रैली है। तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद पीएम का यह पहला पंजाब दौरा होने वाला है। पीएम फिरोजपुर से सूबे को करोड़ों की सौगात भी देंगे। बता दें कि पंजाब में कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा से गठबंधन कर लिया था, जिसके बाद सियासी गलियारों में ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा और कैप्टन के गठबंधन का आगाज फिरोजपुर से हो रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर में होने वाली चुनावी कार्यक्रम के दौरान प्रदेश को कई सौगातें देंगे। वह 42,750 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम की पंजाब दौरे की सौगातें, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। 39,500 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे होगा तैयार। एक्सप्रेसवे से दिल्ली अमृतसर और कटरा दिल्ली का सफर होगा आधा। अमृतसर ऊना सेक्शन को 4 लेन किया जाएगा। 1700 करोड़ की लागत से तैयार होगा अमृतसर ऊना सेक्शन। फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की रखेंगे आधारशिला। 490 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा पीजीआई सैटेलाइट सेंटर। कपूरथला और होशियारपुर में 2 मेडिकल कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। 325 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होंगे दोनों मेडिकल कॉलेज। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा लगातार चुनावी बिसाते बिछाने में जुटी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा के साथ हाथ मिलाने के बाद भाजपा विपक्षी दलों को टक्कर दे रही है। हालांकि अब पीएम मोदी का कल का दौरा खासा अहम होने वाला है। अब देखना यह है कि करोड़ों की सौगातें और कैप्टन का साथ भाजपा को 22 के रण में कितना मुफीद साबित होता है। स्पेशल डेस्क प्राइम टीवी। जहां एक तरफ देश में चुनाव का माहौल है, तो ऐसे में भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना की जो रफ्तार है अब वो भी तेज होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि लगातार देश में कोरोना के आंकड़े जो हैं वो रफ्तार पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनावी बयार भी अपने तेजी के साथ बहती दिखाई दे रही है। बात की जाए कोरोना संक्रमण के मामलों की, तो पिछले 24 घंटों में 37,379 मामले सामने आए हैं। तो वहीं चुनावी रैलियां भी अब और बढ़ती दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर रहे, तो सीएम योगी अलीगढ़, सहारनपुर, देवबंद दौरे पर रहे थे। राजनीतिक दल लगातार हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता के बीच जाकर उनका मन जीता जा सके, लेकिन जिस तरह से कोरोना नेताओं को ही अपनी चपेट में ले रहा है, कहीं ना कहीं ये रैलियां और जनसभाएं कोरोना के फैलने में बढ़ावा दे सकती है। देखिए रिपोर्ट। देश भर में फिर हुआ कोरोना विस्फोट। कोरोना की गिरफ्त में सियासी दिग्गज। सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित। संक्रमण से दिल्ली से देहरादून तक हड़कंप। कल केजरीवाल ने देहरादून में की थी रैली। मनोज तिवारी और बाबुल सुप्रीमो भी संक्रमित। आखिर कब लगेगी रैलियों पर लगा? क्यों नहीं थम रही चुनावी रैलियां? बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ साथ चुनावी रैलियां भी तेज होती जा रही हैं। आज अचानक कोरोना संक्रमण की दर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई।
लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण पर एक बार फिर उन राज्यों को चुनाव आयोग ने पत्र लिखा है जहां 2-3 महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों की लगातार चुनावी रैलियों से खुद नेता, मंत्री और सीएम तक इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी और बेटी कोरोना संक्रमित पाई गई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने एहतियातन खुद को आइसोलेट कर लिया था। तो वहीं सोमवार को देहरादून में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर खुद को संक्रमित होने की जानकारी दी। वहीं अरविंद केजरीवाल के कोरोना संक्रमित होने के बाद दिल्ली से देहरादून तक हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि रैली में उन्होंने मास्क नहीं पहना था। इतना ही नहीं, अपने संबोधन के बीच में वह कई बार खांसते हुए भी नजर आए थे। यह रैली परेड ग्राउंड में आयोजित की गई थी। इस दौरान रैली में खासी भीड़ भी उमड़ी थी। केजरीवाल ने मंच पर कई नेताओं से मुलाकात की और पूर्व सैनिकों का भी सम्मान किया था। वहीं राज्य आंदोलनकारियों ने भी मंच पर उनका स्वागत किया था। इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री के बाद दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मनोज तिवारी ने खुद ट्वीट कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। मनोज ने कहा कि उन्होंने लक्षण दिखने से पहले ही खुद को आइसोलेट कर लिया था। तो अब तृणमूल कांग्रेस के नेता बाबुल सुप्रीमो भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता बाबुल सुप्रीमो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी कि मैं, मेरी पत्नी, पिता और कई कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 61,000 रुपए का कॉकटेल वैक्सीन आया है जो मैं पिताजी को लगवा रहा हूं। साथ ही सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि अगर आर्थिक रूप से कमजोर मरीज को इसकी सख्त जरूरत हो तो वो इसे कैसे लगवा पाएंगे। जहां एक तरफ देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो देश की राजधानी में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच खुद दिल्ली के मुखिया भी कोरोना की चपेट में आने से नहीं बच पाए, तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी इसकी अब चपेट में आ चुके हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कब राजनीतिक दल अपनी चुनावी रैलियों पर लगाम लगाएंगे, और अभी नहीं तो फिर कब। मुद्दा बस यही है कि राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रैलियां ज्यादा प्यारी हैं या फिर जान। स्पेशल डेस्क, प्राइम टीवी। बहरहाल एक बार फिर से जहां 2022 में कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर होता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव एक बार फिर से होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोरोना का कहीं ना कहीं खतरा चुनावी रैलियों में देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार नेताओं की चुनावी रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, और इन सभी जनसभाओं और रैलियों में जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और सभी लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में प्राइम टीवी की अपील है कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और मास्क का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।